ग्वालियर जिले में कलेक्टर के आदेश पर लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान ने भीषण गर्मी को देखते हुए जिले भर में शिक्षण संस्थान पर धारा 144 लगाई है, ताकि बच्चे भीषण गर्मी में लू और बीमारी का शिकार न हों। इसलिए 15 जून तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने कलेक्टर के आदेश हवा में उड़ा दिए और अपनी मनमानी से शिक्षण संस्थान संचालित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ग्वालियर के पड़ाव स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कई कोचिंग संस्थान कलेक्टर के आदेश को ताक पर रखकर समय सीमा के बाद भी कोचिंग संचालित कर रहे हैं। इसके तहत ही जिला प्रशासन को सूचना मिली कि लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित एक कोचिंग चल रही है, उसमें भारी मात्रा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कलेक्टर के आदेश धारा 144 का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संचालक के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की। धारा 144 लगी हुई है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिसमें कोचिंग भी शामिल है, वो ये निर्देश दिए गए हैं कि 11 बजे के बाद क्लासेस न चलाया जाए। यहाँ पर शिकायत मिली थी कि 11 बजे के बाद भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसी सूचना पर हम लोग आए। जब आए तो बच्चे बैठे हुए भी थे क्लासेज में, और ये धारा 144 का उल्लंघन है, आदेश का उल्लंघन है, तो इस पर जो भी कार्रवाई होगी धारा 188 के अंतर्गत वो की जाएगी। और उस समय कुछ बच्चे चले भी गए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो उस समय 10-15 बच्चे बैठे थे क्लास में, और कुछ बच्चे जा भी चुके थे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दिया है या? नहीं नहीं, अभी तो जस्ट हम लोग आए ही हैं सूचना पर, इसके बाद नोटिस दी जाएगी, इनका जवाब लिया जाएगा।